अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फैट ड्राफ्टिंग से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई फैट ड्राफ्टिंग, फैट ड्राफ्टिंग क्यों की जाती है। फैट ड्राफ्टिंग की डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेशियल रिजुविनेशंस, गोइंग फॉर कंटूर डिफॉर्मिटीज ऑफ फेस, एज एन एंटी एजिंग प्रोसीजर, एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी स्कार्स, एज ए ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम फैट ड्राफ्टिंग यूज करते हैं। फैट ड्राफ्टिंग की ब्यूटी क्या है? फैट ड्राफ्टिंग की ब्यूटी ये है कि हम बॉडी के एक पार्ट से फैट निकालते हैं जहाँ फैट एक्सेस में होती है, और उस फैट को वेस्ट करने की बजाय हम बॉडी के किसी और एरिया में यूज कर लेते हैं। इसके बाद इस फैट की सर्वाइवल के चांसेस क्या होते हैं और इसके मुतालिक और बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के जहनों में आते हैं। अब फैट ड्राफ्टिंग बॉडी से लीक कैसे जाती है? तो अगेन बड़ा सिंपल मेथड है कि हम एक छोटा सा निक देते हैं जो लेस देन 1 सेंटीमीटर का होता है, और एक कैनुला के जरिए हम फैट को बॉडी से निकाल लेते हैं। उसके बाद उस फैट को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और उस फैट को प्रिपेयर करने के बाद जरूरत के मुताबिक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। कितने फैट ड्राफ्टिंग सेशन चाहिए? डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है। जनरली जो बॉडी की फैट हम लेके इंजेक्ट करते हैं उसमें 20-30% फैट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो एरिया जहां फैट को हमने इंजेक्ट किया है उसकी जरूरत के मुताबिक हम सेशंस कर सकते हैं। नॉर्मली 2-3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं फैट ड्राफ्टिंग में, जिससे कि डिजायर्ड रिजल्ट आ जाता है। अगेन एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है फिर ये डिपेंड करता है। बहुत सारे एरियाज बॉडी के हम लोकल एनेस्थीसिया में उनसे फैट लेके उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटेंसिव एरियाज हों तो फिर हम जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। टाइम कितना लगता है फैट ड्राफ्टिंग में? अगेन डिपेंड करता है, लेकिन एवरेज टाइम 1 घंटा से 3 घंटे तक फैट ड्राफ्टिंग के प्रोसीजर में लग सकते हैं। कौन से एरियाज बॉडी के जो फैट को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं? फैट चूंकि एक ग्राफ्ट है तो वो एरियाज बॉडी के जहाँ ब्लड सप्लाई अच्छी होती है वो फैट ड्राफ्टिंग को बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन 2 एरियाज बॉडी के, एक लिप और एक लॉफ लाइंस, ऐसा है जहां पे फैट ड्राफ्टिंग के एब्जॉर्प्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और हमें ज्यादा सेशंस करने पड़ते हैं फैट ड्राफ्टिंग के लिए। फैट ड्राफ्टिंग एक्नी स्कार्स में कैसा रिस्पॉन्ड करती है? जी बिल्कुल, एक्नी स्कार्स के लिए फैट ड्राफ्टिंग के डिफरेंट इंडिकेशन हैं, जिसमें हम फैट को एज ए माइक्रो फैट ड्राफ्टिंग अगर फिलिंग की जरूरत हो तो यूज कर सकते हैं, और एज ए नैनो फैट ड्राफ्टिंग यूज कर सकते हैं जो कि स्कार्स की रिजुविनेशन करती है और स्कार्स की अपीयरेंस को इम्प्रूव करती है। ये कुछ सवाल थे जो अक्सर पेशेंट्स हमसे फैट ड्राफ्टिंग के मुतालिक पूछते हैं। होपफुली इस वीडियो से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। ट्यून अप फॉर अ न्यू वीडियो। वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो अगेन। थैंक यू वेरी मच।